फॉर गुरु ज्ञान वेरी गुड गौरव अक्षत वो शायद यही क्वेश्चन होगा जो आप बोल रहे हो नहीं तो आप मेरे को भेज देना हाँ इसीलिए तो गुरु ज्ञान करवा रहे हैं चल ना ब्रेक लेंगे तो होगा नहीं जो मेरे को मेरे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो करवाने दो बाद बाकी तुम लोग देख लेना सुनो नेक्स्ट गुरु ज्ञान जो है ना ये गुरु ज्ञान उस दिन काम आएगा जिस दिन इंस्टीट्यूट आपकी एग्जाम में लेना चाहेगा तुम्हारे पास देने के लिए क्या है हाउ टू हैंडल टफ पेपर अबे स्ट्रेस स्ट्रेस तुम संभालो साले रिलीज कम करो स्ट्रेस आएगा ही नहीं अरे मतलब स्ट्रेस रिलीज कम करो तुम लोग थोड़ा लड़का लोग चलो हाउ टू हैंडल टफ पेपर सभी का कर... मामा, मामा। शकुनी कौन था हम लोग के बैच में शकुनी सीएमएम में ठीक है सुनो हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर सुन इसी दिन है यही दिन है जिस दिन एग्जाम में तुमको थोड़ा सा ऐसा होगा कि भैया छोड़ के चले जाए अब नहीं होगा और उसके बाद अकाउंट्स में ही टफ पेपर आ गया तो दूसरा सब्जेक्ट से उम्मीद ही क्या करे तो एक टफ पेपर को एक स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है वो समझा रहा हूं एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट सिर्फ अकाउंट नहीं एवरी पेपर में अगर कुछ भी टफ आए कैसे पेपर में आगे बढ़ेंगे वो सुनना ध्यान से दो बातें बोल रहा हूं पहले जो समझना बहुत जरूरी है ताकि साइकोलॉजी सही से बैठ जाए जो पेपर टफ है ना टफ बातचीत बंद कर रहे अक्षत <laughs> क्या हो गया बाया खुश है दुखी क्यों होगा पढ़ाई कर रहा है तो खुशी होगा वो जो पेपर टफ है ना टफ ये मामा क्या है प्लीज बताओ <laughs> भूपेंद्र ये नहीं हो पाएगा ये होने से हम लोग लोट पोटो के मर जाएंगे इधर चलो हमको नहीं पता कैसे हम चलो फिर हम लोग सात बज जाएगा खाली हंसते हंसते ये 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 पर्सनल है पर्सनल नहीं जाएंगे हम स्टोरी स्टोरी रहने दो ठीक है नहीं रे शॉर्ट में बाद में बता देंगे तुमको सुन सुन अब अच्छी बात अब अच्छे से बात सुन एक सबसे पहला साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो एक बच्चे को सीए एग्जाम्स में बैठने से पहले हमेशा रहना चाहिए सीए एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे खास बात यह है सारे बच्चों का पेपर सेम होता है मतलब अगर कभी पेपर रियली टफ है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए पेपर सबके लिए टफ है तो वो जो रोने वाला एटीट्यूड है ना वो तुमको बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो बहने वाले हो इस टफ की धारा में सारे लोग बहेंगे तो <laughs> पेपर टफ सबके लिए है तो सुन अगर कोई बच्चा अच्छा मार्क्स या अच्छा पोजीशन लाना चाहे इन सीए एग्जाम्स ही और शी शुड ऑलवेज वॉन्ट की आठ में दो से तीन पेपर टफ आए जैसे मैं मैं सी ए फाइनल एग्जाम जब दे रहा था मैं बोलता था सला पेपर टफ आए तो मजा आए क्यों आई वॉज प्रिपेयर फॉर अ बैड पोजिशन कितना ही गंदा से गंदा एग्जाम पेपर आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं मैनेज कर लूंगा बट मेरे को पता है जैसे ही पेपर टफ आएगा ना कॉम्पिटिशन अपने आप कम हो जाएगा और उस कम कंपटीशन में रैंक स्कोर करना इस काफी इजी रेदर देन डूइंग इन एन इजी पेपर क्योंकि उस समय सब लोग अच्छा लिख के आ रहे हैं मतलब वो जो रैंक होल्डर का लेवल पता चलता है ना वो तभी पता चलता है जब पेपर क्या आ रहा है टफ आ रहा है तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर अ स्टूडेंट हु खराब बात नहीं है अच्छा बात है इससे कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है फिर सिर्फ हमको ध्यान देना है हम कैसे इस पेपर में जितना हो सके उतना स्कोर करें हमको अब सौ नहीं लाना है अगर हम सिक्सटी भी पार कर गए ना लोग तो चालीस के लिए रो रहे हैं हम सिक्सटी भी पार कर गए तो हम लोगों से दस पंद्रह मार्क्स एक्स्ट्रा निकल जाएंगे तो पहला साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आई वांट इन ऑल ऑफ यू इज टफ पेपर से डरिए मत टफ पेपर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू वेल क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो सच में नहीं पढ़ के गए हैं वो उस दिन खत्म हो जाएंगे मतलब नेक्स्ट पेपर से तेरे को दिखने लग जाएगा कल का पेपर टफ था नेक्स्ट पेपर में जब अटेंडेंस देखेगा ना अटेंडेंस पचास से बीस तीस वैसा अटेंडेंस हो जाएगा होता है रे नहीं आता है तुम ये बोल रहे हो ना मतलब पेपर टफ होने से अटेंडेंस कम हो जाएगा तो मतलब तेरा कॉम्पिटिशन अपने आप खत्म हो गया पहला बात दूसरा अगर पेपर टफ होगा ना टफ टफ पेपर की परिभाषा बता रहा हूं जब तेरे पास पांच क्वेश्चन होते हैं करने के लिए पहला वाला कंपलसरी है और पांच में चार करना होता है एक चॉइस रहता है जब तक एक क्वेश्चन टफ है ना तब तक वो पेपर टफ नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमको छोड़ना ही है हमको कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन पेपर टफ होता है जब दो तीन क्वेश्चन पेपर में गंदा आ जाए दो तीन क्वेश्चन या तो दो बीस बीस मार्क का गंदा आ जाए या फिर क्या करे एक गंदा दे दिया पूरा और दो तीन चार क्वेश्चन में क्या किया है? जो पार्ट सब पार्ट दिया है ना सभी सब पार्ट में कुछ गंदगी करके रखा है तब बच्चे को पेपर टफ लगने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है हर क्वेश्चन में झोल है मेरे से तो एक ठोबी नहीं बन रहा है बट आपको यह ध्यान देना होगा जितना भी इंस्टीट्यूट कर ले 125 मार्क्स में मेरे हिसाब से 45 मार्क्स से ज्यादा का पेपर खराब नहीं कर सकता एक पूरा बीस मार्क्स मैंने बोला और या तो एक पूरा क्वेश्चन और बीस मार्क का या फिर दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन में दस दस पांच दस 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 मार्क का खराब कर दे मतलब जो भी करेगा चालीस पचास मार्क्स का ही पेपर खराब होगा बाद लायक तो टफ पेपर का परिभाषा यह है वन में फोर्टी मार्क्स खराब आए क्या मार्क्स खराब आए तेरे पास बता अभी भी कितना करने को है 80 है करने को अगर कोई बच्चा टफ पेपर को प्रॉपरली हैंडल करना चाहता है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एक्टी और तुम अपने दिमाग में एक वो बना लो कि हमको अब तीन घंटे में सौ के पीछे भागना ही नहीं है जितना लिखेंगे तोड़ के लिखेंगे सौ पूरा हो जरूरी क्योंकि हमको पता है ऐसे भी नेक्स्ट एक एग्जाम में लोग आने वाला नहीं है कंपटीशन तो ऐसे ही खत्म है हमको अगर खड़ा रहना है तो हमको अस्सी मार्क का पेपर प्रॉपरली करके आना पड़ेगा और इसमें वो वाला वो वाला नॉलेज काम आएगा जब टफ पेपर आए पहले कॉन्सेंट्रेट करो हम कैसे चालीस मार्क का पेपर अच्छे से कर सके यानी पेपर का कोई भी दो क्वेश्चन हमको ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करना है जैसे ही चालीस मार्क का हो गया अब ट्राई करो एक और क्वेश्चन यानी कितना साठ मार्क का हम कैसे कंप्लीट करें प्रॉपरली जैसे ही साठ का हो गया उसके बाद बोलो भगवान तेरी माया सब तेरा हमको कुछ नहीं चाहिए इसके बाद हम लिखेंगे बट इसके बाद मिले नहीं मिले कोई पंगा नहीं है मैंने साठ मार्क का पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया है तो टफ पेपर एक्चुअली ना साइकोलॉजिकल गेम प्ले है ऐसा नहीं है कि इतना टफ बना दे कि कोई पास नहीं हो पाए फिर इंस्टीट्यूट रैंक किसको देगा उसमें क्या करता है इंस्टीट्यूट एक साइकोलॉजिकल गेम ऐसा खेलता है कि बहुत सारे बच्चे जो मेंटली फिट नहीं है ना सीए एग्जाम्स उस समय देने के लिए वो बच्चे चुपचाप खुद ही बाहर हो जाए जानबूझ के एक ऐसा कंपटीशन करवा दिया जिस कंपटीशन में आधे बच्चे ऐसे ही बाहर हो गए क्योंकि वो मेंटली उतना टफ नहीं थे उस पेपर को हैंडल करने के लिए एक चीज ध्यान रखना पेपर वन कितना ही टफ आ जाए पेपर टू पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है अनलेस तुम उसका इंपैक्ट क्रिएट करो यानी पेपर वन थोड़ा टफ आया भैया हम सत्तर पचहत्तर अस्सी का ही करके आ पाए हम पेपर टू देने नहीं जाएंगे भैया मेरे से नहीं हो रहा है इतना इतना स्ट्रेस हम झेल नहीं पा रहे हैं ये बहुत बड़ा गलती है जो बच्चा करता है और बाद में तुम देखोगे जो टफ पेपर आया था ना उसमें अस्सी करने के आने के बाद भी पचपन दे दिया सन्तावन दे दिया पचास दे दिया मतलब तुम उसमें तो पास हो ही रहे थे कम से कम आगे कंटिन्यू कर लेते तो कंप्लीट कर पाते तुम पहले ही पेपर के डर के तुम आगे पेपर ही देने नहीं जाते हो जो सबसे बड़ा गलती है जो बच्चे कर रहे हैं और ये बहुत बच्चे ऐसा करते हैं इसमें एक दो नहीं है इसमें परसेंटेज में बात करूं तो दस पंद्रह बच्चे ऐसे होते हैं बीस बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के कारण पेपर के पेपर ऊपर पेपर देने नहीं जाते कहीं अकाउंट्स टफ आ गया तो पूरा ग्रुप वन खराब कर देंगे कहीं टैक्स टफ आ गया तो ग्रुप वन का तो बत्ती लगी ग्रुप टू देने भी नहीं जाएंगे जबकि ग्रुप वन और ग्रुप टू में कोई रिलेशन दिमाग में यह बैठा लो पेपर कैसा भी आए हम आठों एग्जाम देने जाएगा नो मैटर वॉट हम सोलह दिन जो एग्जामिनेशन होगा हम सोलह दिन का सोलह दिन एग्जाम हॉल में बैठने जाएंगे और जितना खुद को आएगा उतना करके आएंगे तुम क्योंकि नहीं भी देने जाओगे तो भी तो तुम क्या हो फेल हो कम से कम दे के आए और कुछ पेपर इजी आ गया जो तुम्हारा पढ़ा हुआ था तो हो सकता है हम लोग कहीं निकल जाए कहीं कुछ होप दिख जाए बहुत बार मैंने बच्चे से ऐसा सुना है जो बोलता है मैं प्योर फेल हूं वो बच्चा सला पास हो जाता है अब बहुत बार देखा है ये एक दो बार नहीं है मेरे पास बच्चों की लिस्ट हो सकती है जिसमें वो बोल सकता है बच्चा बोला था सर पास नहीं हो गया बच्चा पास हो गया थोड़ा सा अपने आप पर ना वो सेल्फ बिलीफ रखना पड़ता है कि हम भी कर सकते हैं जिसमें सेल्फ बिलीफ नहीं है वो बच्चा ये एग्जाम के लिए रेडी नहीं है क्यों रेडी नहीं है क्योंकि ये जो ये जो एग्जाम है ना दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ नॉलेज दिस इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ योर मतलब कितना तुम प्रेशर झेल सकता है कितना तुम्हारे अंदर शक्ति है गंदी सिचुएशंस को हैंडल करने का क्योंकि तुम जब ऑडिट करने जाओगे आर्टिकल शिप करने जाओगे ना ये ऑडिट में ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे आएगी क्लाइंट प्रेशर क्रिएट करेगा ये करो ये करो ये करो तुम कैसे हैंडल कर सकते हो ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ये चेक करता है कि मेरे बच्चे के अंदर वो एग्जाम को झेलने की कैपेसिटी है या नहीं है तुम कोई भी पुराना पेपर उठा लो जिस समर्म में बोला गया पेपर टफ आया तुम लिखने बैठोगे ना तुम देखोगे साठ से अस्सी मार्क का पेपर तुम वन गो में लिख दोगे क्योंकि मैंने बोला ना अस्सी से 80 का पेपर इजी आएगा 125 में 45 ही गंदगी करेगा जो करेगा बाद बाकी अस्सी का पेपर सबसे गंदा पेपर हम लोग उसको बोलते हैं जहां पे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गंदगी जैक कर दे वो मतलब इंश्योरेंस क्लेम दिया तो उसमें भी कुछ गंदा करके दे दिया हर क्वेश्चन में कुछ जैक कर दे तो वो पेपर बहुत गंदा है क्योंकि जो बच्चा बिना कॉन्सेप्ट के खाली वो फॉर्मेट से पढ़ के गया है ना वो बच्चा उसमें फंस जाता है हर हर क्वेश्चन साठ परसेंट करेगा नहीं होगा फिर सिक्सटी परसेंट करेगा नहीं होगा फिर सिक्सटी परसेंट करेगा नहीं होगा उसमें बहुत डर लगता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट की भाषा में बोलते हैं परवेसी इफेक्ट चला हर जगह गंदगी भरा हुआ है जो देख रहे हैं वहां गंदगी है तो यहां पर होता है प्रॉब्लम एडवर्स ओपिनियन मत देना विड्रॉ कर लोगे ठीक है नहीं विड्रॉ करना वही तो मना किए तो पहले बताइए टफ पेपर को हैंडल कैसे करना है वो बात समझ में आई प्लीज इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम साइकोलॉजिकली हारिएगा नौ आठ महीना का किया हुआ मेहनत एक दिन में खराब कर सकते हो तुम तो, सिर्फ एक दिन जिस दिन तुम डरे और पेपर देने ही नहीं गए और वही देने चले गए तो हो सकता है वो नौ महीने का जो मेहनत है ना वो कहीं काम आ गया और तुमको पास करा के निकाल दिया और पास भी नहीं तो कम से कम तुमको ये समझ में आएगा कि ये एग्जाम का गेम है क्या तुम एग्जाम ही देने नहीं जाओगे तो तो एग्जाम एग्जाम का का गेम गेम समझ में तो का गेम समझना भी बहुत जरूरी है ये सारी बातें मैं सब हर टर्म बोलता हूं हर टर्म ये गुरु ज्ञान मेरा एकदम रहता है कि मैं ये सब बात बताऊंगा हर टर्म में बच्चा तो भी करता है क्यों सुनने में और उसको लागू करने में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है एग्जाम में आने के बाद यूट्यूब देख के मोटिवेशन लेने से रियल मोटिवेशन नहीं आता है हम तो देखते हैं आज अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हुआ चार टीचर वीडियो डाला अकाउंट्स का पेपर का सोल्यूशन ये है हम बोला सला बच्चा को डरा क्यों रहे हैं अगर आप सोल्यूशन अभी डाल भी देंगे तो बच्चा क्या करेगा उस सोल्यूशन का कुछ नहीं करेगा उस सोल्यूशन का वो टेंशन और लेगा कि यार हम तो पांच परसेंट करके आए थे बारह परसेंट बोल रहे हैं इसीलिए कोई कोई वोल्यूशन नहीं डालना चाहिए क्या करेंगे अब सल्यूशन का का एग्जाम के दिन सल्यूशन का कुछ नहीं होगा जब तुम तीन घंटा के बाद पेपर सबमिट करके आ गए ना अब एक्स वाई जेड जो भी हाथ मारना है मार ले जो भी सोचना है सोच ले कुछ फायदा होना नहीं है तो बेटर है ना नेक्स्ट पेपर में कंसंट्रेट करें रेदर देन वेस्टिंग अवर टाइम ऑन अकाउंट्स इसीलिए एक चीज सिखाता हूं हमेशा एग्जाम हॉल में एग्जाम कंप्लीट होने के बाद पेपर फाड़ दिया कीजिए भूल जाइए कुछ ऐसा गया आपके साथ कुछ ऐसा हुआ अब जो करना है वो आगे करना है अकाउंट्स में वापस देखने का दरकार नहीं है दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ अब सर आपके टाइम में आपके साथ होता तो आप कर पाते क्या मैं रियलिटी एक स्टोरी बता रहा हूं तुमको अकाउंट्स का एग्जाम सीए इंटर के दिया उससे अच्छा एग्जाम नहीं दिया लाइफ में इसीलिए सौ में सौ आया था उसमें लॉ के पेपर में मैं उतना अच्छा पढ़ के नहीं गया था मेरे को थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं था अनप्रिपेड था मेरा एक दोस्त था गोपाल वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स मैं उसके भरोसे था कि भाई आज तू बचा लेना अकाउंट्स में मैं हेल्प किया। उसको आता भी था वो अच्छा पढ़ने में था आज बचा लेना पेपर का पांच मिनट हुआ फर्स्ट आंसर लिखा पानी पिया गोपाल और गोपाल वोमिट करके गिर गया बेहोश हो गया लड़का बेहोश हम उसको उठा रहे भाई उठ जा पेपर देना है उसको होश नहीं है उसको फिर प्रिंसिपल के रूम में लेके गया उसमें तो हम ही लेके गया जबकि मेरा पेपर है लेके गया हम बोला चल भाई हम उसको पांच मिनट समझाया भाई एग्जाम दे ले कुछ नहीं होगा बैठ के लिख ले मेरा देख के लिख लेना बट लिख ले भाई पास हो जाएंगे पेपर ऐसा है देख लिया पास हो जाएंगे उसका देने का हालत नहीं फिर उसका भाई आके उसको घर लेके चला गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे सीट के पीछे वाली सीट में बैठा है और वो गिर गया है चक्कर खाके तो सोचो तुमको कितना डर लगेगा उस पेपर में बट ऑप्शन नहीं था लिखना तो था ही, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो अकाउंट्स में जितना अच्छा किया और सब बर्बाद हो जाएगा पेपर लिख के आए सब हो गया थर्ड पेपर था कॉस्ट गोपाल आया हम लोग नॉर्मल एग्जाम दी गोपाल उसके बाद सारा एग्जाम दिया ही इसको सारे में एग्जामेशन सिर्फ उसको लॉ का पेपर नेक्स्ट टाइम वापस देना पड़ा इतना इंटेलिजेंट था वो तो लॉ का पेपर कॉस्ट का पेपर आया कॉस्ट का पेपर देना शुरू किया पेपर टेक्निकल बना था अब पेपर टेक्निकल बना लिख के आए अब कॉस्ट वगैरह से मेरे को ना उम्मीद थोड़ा ज्यादा था क्योंकि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग थे तो हमको लगा था प्रैक्टिकल में तो साला हाथ नहीं लगा सकता कोई बट हमको यह पता नहीं था कि एग्जाम है ये 11, 12 नहीं है नहीं चलो पे तुम कितना भी इंटेलिजेंट हो तुम बाप नहीं आई सी आई है तुम उसके नीचे ही हो हम पेपर दे के आए आके घर में रो रहे हैं और सच में रो रहे हैं पापा के सामने हम नेक्स्ट पेपर देने नहीं जाएंगे मेरा पेपर खराब गया एकदम अच्छा नहीं गया हम नहीं जाएंगे नेक्स्ट पेपर देने पापा समझाए तेरा कुछ भी हो जाके दे के आना बाद में देखेंगे जब रिजल्ट आएगा पापा पहले प्यार से समझाए फिर डांट के समझाए समझ डांटते ही समझ में आ गया जाके पढ़ने बैठ गए यही है हम लोग का तेरे को पता है जब रिजल्ट आया कॉस्ट के पेपर में, में मेरा सेकंड हाईएस्ट मार्क्स था 92 और हम उसी पेपर में आके रो रहे थे कि मेरा पेपर शायद खराब गया है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ना इतना एक्सपेक्टेशन लेके गए थे कि हम तो फोड़ के ही आ जाएंगे हो सकता है हमको पांच सात ग्रेस ही मिला हो ग्रेस मिलता है एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में ग्रेस मिलता है अकेले को नहीं सबको मिलता है ऐसा नहीं है मेरे को ही मिला होगा सबको मिलता है वो ग्रेस हो सकता है पांच सात ग्रेस मिला होगा बट मेरे को नाइन्टी टू मार्क्स मिला जिस पेपर में हम रो रहा था कि हमको लग रहा था कि हम फेल हो जाएगा अगर हम उसके चक्कर में नहीं जाता तो सोच अरे कितना दुख होता सला सौ टू और एग्जाम देने नहीं गया साला बेवकूफ लॉ में फोर्टी टू पास तो ही गए फेल नहीं हुए पास तो ही गए फोर्टी टू कॉस्ट में नाइन्टी टू मतलब जो तुमको लग रहा है ना तुम पेपर में करके आए तुमको रियल में नहीं पता तुमने पेपर में क्या गुल खिलाया मेरे को दोनों टाइप के बच्चे दोनों टाइप के बच्चे को मैं मतलब मैं बोलता हूं ठीक है देखेंगे जो होगा एक बच्चा जो बोलता है बहुत अच्छा गया भैया अस्सी तो आएगा ही उसका आता है चालीस और एक जो भैया भैया बहुत टफ पेपर था पता नहीं कैसा गया नेक्स्ट दिन जाए कि नहीं बोलता चला जा तुम पास है हंड्रेड परसेंट क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि तुम पेपर में क्या लिख के आए और उस पर तुमको क्या मार्किंग दी जाएगी तुमने भी वंडर तुम तु, तु अगर फाउंडेशन का तुमको याद हो तुमने कोई पेपर में सत्तर अस्सी सोचा और तुमको पचपन मिला हो सकता है ये होता है क्योंकि तुमको रियल में नहीं पता तुम उस पेपर में क्या लिख के आया है तो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड डोंट मेक दिस मिस्टेक विच अदर्स आर मेकिंग इफ यू डोंट मेक दीज मिस्टेक्स तुम अपने आप आगे निकल जाओगे और जो हम लोग बोलते हैं ना रिजल्ट इज टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट रियलिटी में जाओगे ना रिजल्ट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट अब रियलिटी कैसे मान लो पचास हजार इंटर का एग्जाम में फॉर्म भरा था फॉर्म फॉर्म भरा वो देखा जाता है उसमें चार पांच हजार बच्चा तो एग्जाम देना ही नहीं जाता फर्स्ट डे से ही नहीं जाता फॉर्म भरे थे प्रिपेयर नहीं है एग्जाम में ही नहीं बैठता है तो पचास हजार में अगर पांच हजार नहीं बैठा तो कितना गया दस परसेंट उधर गया फोर्टी फाइव थाउजेंड पकड़ो फोर्टी फाइव थाउजेंड में पंद्रह बीस परसेंट बच्चा तुम जब एग्जाम हॉल देखोगे तुमको ये चीज दिखेगा ऐसा होता है जो ग्रुप वन में जाता है पहला एक पेपर दो पेपर जैसे ही पेपर टफ आता है वो एग्जाम हॉल छोड़ देता है आराम से पंद्रह बीस परसेंट ऐसा बच्चा होता है तो पैतालीस हजार में बीस परसेंट बच्चा गया तो नौ हजार बच्चा और गया बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप टू का भी फॉर्म भरते हैं दोनों ग्रुप का फॉर्म भरते हैं बट वो ग्रुप टू देने ही ग्रुप वन से उनका मन भर जाता है कि इतना इज्जत खराब लिया कम था क्या जो ग्रुप टू में जाके इज्जत दे आएंगे ऐसे करके रियलिटी में जो प्रॉपर बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं ना पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन तीस हजार बच्चे के आसपास एग्जामिनेशन देते और उसमें रिजल्ट होता है अगर पचास हजार में दस परसेंट पांच हजार रिजल्ट हो रहा है तो तीस हजार में वही पांच हजार तो दोनों ग्रुप का बात कर रहा हूं दस परसेंट बारह परसेंट रिजल्ट होता है तो पचास हजार में बारह परसेंट रिजल्ट होता है तो छह हजार पास हुए एक्चुअली वो पचास हजार में नहीं है वो तीस हजार में तीस हजार में बीस परसेंट हुआ अभी तुम ग्रुप वन ग्रुप टू का भी ले बहुत सारे बच्चे सिर्फ ग्रुप टू देते हैं और ग्रुप टू निकालते हैं बहुत सारे बच्चे सिर्फ ग्रुप वन देते हैं ग्रुप वन मैं तो अभी बहुत ग्रुप पास हुआ उसकी बात कर रहा हूं तो ऐसे बहुत सारे केसेस अगर लेगा ना तो तुम देखेगा दस परसेंट रिजल्ट नहीं है बीस पच्चीस तीस परसेंट रिजल्ट है उससे भी ज्यादा रिजल्ट है और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं इस पचास हजार में तो मैं उन बच्चों को निकाल दू जो पढ़े ही नहीं प्रिपेयर ही नहीं किए एग्जाम में बैठ रहे बट दे आर नॉट रियली प्रिपेर फॉर एग्जाम मतलब उन बच्चों को एग्जाम में गिनना सिर्फ वो अटेंडेंस दिया है वो गिनने वाला बात है वो बच्चा रियल में प्रिपेयर होके ही नहीं गया था तो वो बच्चा तो फेल होगा ही जो पढ़ के नहीं गया भाई इस एग्जाम में पढ़ के नहीं जाएगा तो भगवान भी पास नहीं करा पाएगा तुमको यार तो अगर तुम रियल जो पढ़ के गया और उसमें जितना पास हुआ वो देखेगा ना तेरे को रिजल्ट का परसेंटेज बहुत अच्छा दिखाई देगा मतलब अगर हम अपना बेवकूफी ना करें अपना दिमाग ना लगाएं तो शायद हम उस रिजल्ट में आ जाएंगे जिसमें दूसरे बच्चे आ रहे हैं और हम पीछे रह जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम या तो एग्जाम देने नहीं जा रहे या हम डर के कारण एग्जाम में बैठे हैं पर लिखे नहीं कुछ या हम ग्रुप वन दिए ग्रुप टू नहीं दिए बहुत सारी बातें जो है वो नहीं करोगे तो तुम पास में निकल जाओगे इतने बच्चे मैंने देखे हैं जो ये सब करते हैं और उनका रिजल्ट सिर्फ यही होता है वो तीन टर्म चार टर्म पांच टर्म सिर्फ एग्जाम देते वो कभी पास नहीं करते और रियालिटी पता है क्या है इस टर्म में अगर अकाउंट डिफिकल्ट आया तो नेक्स्ट टर्म में कुछ कॉस्ट या टैक्स डिफिकल्ट आएगा ही मतलब कभी ना कभी हर टर्म में एक पेपर तो डिफिकल्ट होगा तो इस टर्म इसलिए रोया क्योंकि डिफिकल्ट था टर्म में इसलिए रोएगा अच्छे से बैठना देखा जाएगा क्या होगा हर टर्म में ग्रुप वन में एक पेपर और ग्रुप टू में एक पेपर टफ आएगा अकाउंट्स एडवांस कभी टफ नहीं होता उसमें सिर्फ एक ही चीज पे खेलता है लेंदी टफ करता है इधर कॉस्ट और टैक्स का पेपर ग्रुप वन में ग्रुप टू में तो अपने आप टफ है ही है <laughs> अभी दो टर्म से जैक कर रहा है को दो टर्म से जैक कर रहा है वो और क्योंकि वहाँ पे और क्योंकि वहां पे कुछ बचा नहीं तो एफ एम ईको को, को जैक कर रहा है ऑडिट देखो मैं तुमको सच बोलता हूं ऑडिट के पेपर में एग्जामिशन आ सकता है अगर बच्चा जैसे तुम लोग को सीक्वेंस में बताया ना बड़े चैप्टर्स को पहले करो वैसे पढ़े तो सबसे बड़ा बात में मार्क्स नहीं आना इज आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते हो जो मार्क का एमसीक्यू है ना 40 -50 बच्चे ऐसे हैं जो एमसीक्यू सोचते हैं कि हमने मेन पढ़ लिया ना एमसीक्यू तो मन से कर ही देंगे जबकि इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू देता है ना वो मन से करने लायक नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो केस स्टडी जो आता है अगर दो चार पांच दस केस स्टडी नहीं देखोगे ना तो एग्जाम में केस स्टडी पढ़ना कैसे वही समझ में नहीं आएगा डेढ़ पेज का केस स्टडी पहले ही छोड़ दोगे बोला कौन माथा लगाएगा छोड़ दूसरा करते हैं बाद में देखेंगे जिन बच्चों का कम मार्क्स आ रहा है थ्योरी में फर्स्ट रीजन इज उनका एमसीक्यूज पे पकड़ नहीं है थोड़ा एमसीक्यूज पे पकड़ बनाना होगा डन उसके लिए मैंने आपको बोला था आईसीए का जो एमसीक्यू बुकलेट है वो आपको देख के जाना है पूरा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए उसमें टैक्स लॉ ऑडिट आई आई एस एस एम इन चार पेपर का जो एमसीक्यू बुकलेट अगर आरटीपी में कोई एमसीक्यू आता है और अगर एमटीपी में कोई एमसीक्यू आता है इतना एमसीक्यू आपको देख के जाना है एम टीपी में तो एमसीक्यू आता ही होगा आरटीपी में एमसीक्यू देता है क्या देता है तो आरटीपी का एमसीक्यू एमटीपी का एमसीक्यू और थ्योरी इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट इतना एमसीक्यू देख के जाओगे ना तुम कंफर्टेबल फील करोगे जब तुम सॉल्व करोगे और एक दो बच्चा नहीं कई बच्चा मेरे को यह बोला भैया टैक्स का तो ऐसा एमसीक्यू आता है हम जितना आंसर कर रहे हैं सब गलत आ रहा है हम जितना ऑप्शन ट्राई कर लिए सब गलत है एक भी सही ऑप्शन हम नहीं ला पाए जब तक हम उसका आंसर नहीं देखे तो अगर इतना टफ है तो सारा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करता एमसीक्यूज़ इसीलिए मार्क्स नहीं आता है एमसीक्यूज़ को अलग से टाइम देना पड़ेगा ऑप्शन नहीं है डन